जय भीम, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं सुमित एक बार फिर से भारत दस्तक के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि भीमा कोरेगांव एक मूवी आने वाली है जिसे डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूस किया है रमेश ठेठे जी ने। इसमें लीड एक्टर है अर्जुन रामपाल जी, दिगांगना सूर्यवंशी लीड एक्ट्रेस है, सनी लियोनी जी का एक आइटम सॉन्ग है और कृष्णा अभिषेक एक बहुत बड़ा कॉमेडियन है वो भी इस मूवी के अंदर है और बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। अब दोस्तों एक और खुशखबरी देने जा रहा हूं मैं आपको। माना जा रहा है कि मायावती जी के जीवन के ऊपर एक नई फिल्म आने वाली है जिसका नाम है मैडम चीफ मिनिस्टर। ये रहा उसका पोस्टर। इसमें जो लीड एक्ट्रेस है वो ऋचा चड्ढा दिखाई गई है। सौरभ शुक्ला है, एक मजे हुए एक्टर है, आपने इनको कई फिल्म में देखा होगा। तो दोस्तों माना जा रहा है कि जो चार बार मुख्यमंत्री रही है यूपी की और एक दलित चेहरा और एक ऐसी महिला जिसने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में चीफ मिनिस्टर बनने के लिए हो या फिर एक दलित समुदाय से आने वाली महिला का जो संघर्ष होता है वो इस मूवी में दिखाया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस मूवी के पोस्टर रिलीज होते ही एक विवाद भी जुड़ गया है। तो क्या है वो विवाद मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म का पोस्टर रिलीज होते ही लोगों में खुशी भी है और कुछ लोगों में गुस्सा भी है। अब मैं क्यों है बताता हूँ। माना जा रहा है कि ये फिल्म मायावती जी के जीवन में बनाई गई है, तो जितने भी बसपा समर्थक है या कहो कि बहुजन समाज के लोगों में एक खुशी की लहर भी है कि बहन जी, जिन्हें हम बहन जी नाम से पुकारते हैं, जिनका बहुत बड़ा संघर्ष रहा है बहुजन समाज के लिए, लड़ाई करते हुए बहुजन समाज के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, यहाँ तक कि शादी तक नहीं की और इतना कुछ किया है। आप अंबेडकर पार्क देखिए, काशीराम स्मारक देखिए, बुद्धा यूनिवर्सिटी देखिए, बुद्धा सर्किट देखिए, रमाबाई हो, हमारे जितने भी महापुरुष हो सभी के नाम पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े क्या बोलते हैं मोमेंट्स बनाए हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई है, बड़े बड़े स्मारक बनाए हैं। वो महिला है मायावती जो कि चार बार यूपी की मुख्यमंत्री रही है। उनके ऊपर अगर मूवी आती है तो बहुजन समाज में खुशी जरूर होगी। लेकिन दोस्तों माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये पोस्टर लॉन्च हुआ है जिसमें ऋचा चड्ढा झाड़ू पकड़ते हुए दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं पोस्टर के अंदर ऋचा चड्ढा झाड़ू पकड़ी है, तो लोगों का मानना है कि ये बहुत गलत दर्शाया गया है पिक्चर के अंदर। जो मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी आ रही है, अगर ये मायावती जी के जीवन के ऊपर बनी है, इसमें मायावती जी का पार्ट दिखाया गया है, तो ये बहुत गलत दिखाया गया है उनके किरदार को झाड़ू पकड़ते हुए। बल्कि मायावती जी का किरदार झाड़ू पकड़ते हुए नहीं, पेन कलम पकड़ते किताब पकड़ते हुए होना चाहिए था, क्योंकि मायावती जी कोई अनपढ़ लेडी नहीं है, वो बहुत पढ़ी लिखी है, वो क्या बोलते टीचर रही थी। जब वो काशीराम जी के साथ जुड़ी थी, मिशन में आई थी, उससे पहले वो टीचिंग करती थी, टीचर थी और आईएएस की तैयारी कर रही थी, यानी कि एक बहुत पढ़ी लिखी महिला थी। लेकिन उनको मूवी के अंदर या फिर पोस्टर के अंदर जो अभी तक मेरे सामने आया है और मैं समझ पाया हूँ उसमें झाड़ू पकड़ते हुए दिखाया है, तो इससे बहुजन समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग या फिर बसपा के लोग कुछ जो ऐसा मानते हैं कि इस पोस्टर में ही गलत कुछ दिखाया गया है मायावती जी के बारे में। लेकिन दोस्तों क्या वाकई ये मूवी मायावती जी के ऊपर बनी है या नहीं बनी है, इसको लेकर भी मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि फिल्म की स्टार कास्ट हो या फिर डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, ऐसा किसी ने ऐलान नहीं किया है अभी तक। इस फिल्म के बारे में ऋचा चड्ढा ने लिखा है कि ये फिल्म बहुत जल्दी आने वाली है, यानी कि 22 जनवरी को आपको थिएटर में देखने को मिल जाएगी और कल तक इसका ट्रेलर भी लॉन्च हो जाएगा। जब ट्रेलर लॉन्च होगा तभी मैं आपको कुछ इसके बारे में बता सकता हूँ, तो जरूर बताऊंगा। तो आप लोग देखते रहिए भारत दस्तक। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई लोग, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए। तो देखते रहिए भारत दस्तक, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।